और हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने हनीट्रैप का रैकेट चलाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी के एडवाइजर और एक एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महिला ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए लोगों से दोस्ती करती थी। पार्टी करने के बहाने युवकों को अपने साथ हॉस्टल ले जाती थी। यहाँ शराब पीने के बाद पुलिस को रेप के प्रयास की शिकायत देती थी। इसके बाद शुरू उगाही और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। बताया गया है कि महिला के जाल में फंसे एक व्यक्ति ने उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर शिकायत पुलिस को दी थी। इसी गिरोह को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। केस वापस लेने के एवज में महिला के साथी महेश को पुलिस ने 50,000 रुपये लेते रंगे हाथ काबू कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को भी काबू किया। अगर नहीं पाया, जिसकी वजह से लड़की थाने के नज़दीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस लेकर के उनको लड़की को भी थोड़ी ही देर के बाद वहां से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने अपनी सारी मॉडल्स ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ये लोगों को बम्बल ऐप, जो चैटिंग ऐप है, उसके थ्रू बम्बल ऐप पर ये बात करते हैं और बात करके जो लोग हैं उनको ये अपनी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको किस तरीके से पार्टी करने के बहाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, होटल के कमरे में शराब पिलाते हैं और शराब पीने के बाद उसके विरुद्ध शिकायत देकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस पर दोनों को इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंसेज इनके पास से मिल सकते थे हमने लिए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जो महिला है जिसके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये महिला मूलतः बिहार की रहने वाली है और यहाँ पर एक MNC में एडवाइज़र के पद पर काम करती है और पिछले लगभग अभी तक की जो पूछताछ पर आया है कि पिछले लगभग